कैसे हो गूगल प्ले बेटा को चाहने वालों, मुझे पता था आप बहुत दिनों से इस वाली वीडियो का इंतजार कर रहे थे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप फास्ट रिमोट कैसे कर सकते हो गूगल प्ले बेटा में। वैसे तो मैंने एक वीडियो और बताया था लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब इजी वो वे तो इजी था लेकिन उसमें आपको इमोट दिखाना कठिन था। लेकिन आज की वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं ना वो बहुत ही इजी तरीका है, मैं आपको बल्कि बताने ही नहीं वाला, मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वही मेरी घिसी पिटी चीज, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो गूगल प्ले बेटा की बिगनर टू एडवांस तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा वीडियो आपके लिए डाल रखे हैं। और मैं भी इंसान हूं भाई, लोग मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ही क्या देखते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आप एक बार मेरा चैनल तो विजिट करो, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा इमोट कितनी फास्ट हो रहा है, और देखो एक नंबर परफेक्ट तरीके से हमारा इमोट फास्ट इमोट हो रहा है। जैसा हमारे ब्लू स्टेक से अदर इमोट में होता है कुछ उसी प्रकार का हमारा फास्ट इमोट इसमें हो रहा है, और हम इसको करते करते स्प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी मैंने कैसे किया इसके लिए, अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगी या नहीं लगी या फिर क्या कुछ लगा वो चलो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर चले जाना और वहां से ओपी ऑटो क्लिक कर डाउनलोड कर लेना। देख लो कुछ इस प्रकार का लोगो रहेगा और कुछ इस प्रकार का ये ओपन होगा तब दिखेगा आपको, इस प्रकार का देख लो आपको यही वाला ऑटो क्लिक कर डाउनलोड कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कर लेना है, गूगल क्रोम पे से नहीं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से करना है। इसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो कस्टम इच्छुट रहता है गूगल प्ले बेटा में उसको कैसे सेट करना है। जैसे मैंने मेरी फायर बटन को लेफ्ट फायर बटन को इधर की साइड सेट कर रखा है, फिर मैं मेरे सब कुछ ग्लू वॉल या फिर मैंने मेरे जो गन वन चूज करने का रहता है इन सबको छोटा छोटा सेट करके रखा है। इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो तो बना हुआ है तो आप वो जाकर देख लेना। और अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं आपको क्या करना है। हमारे गूगल प्ले बीटा और फ्री फायर के अंदर जो ये इमोट वाला आइकॉन रहता है तो इसको आपको कुछ इस प्रकार से प्लेस करना है इन दोनों इमोट के बीच में, ठीक है, इस जगह पर जहां पर मैंने प्लेस कर रखा है, ताकि ये जो दो इमोट हमारे इन दोनों के बीच वाले जगह पर है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, और ये आपको प्लेस कैसे करना है गूगल प्ले बीटा में तो इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आपको आपके मोबाइल से कुछ इस प्रकार से इस जगह पर इसको प्लेस कर देना है, और उसके बाद आपको आपके मोबाइल से अपलोड कर देना है सेटिंग को, और यहाँ पर गूगल प्ले बीटा में रखा इसको डाउनलोड कर लेना है। और इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ कि कस्टम इच्युटी कैसे सेट करें, वो जाकर देख लेना अगर आपको ये वाला समझ में ना आ रहा हो। इतना सब कुछ करने के बाद आपको आपका ऑटो क्लिकर जो हमने ओपन किया था उसको आपको ओपन कर लेना, जो मिनिमाइज करके रखा था। आप देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेटिंग है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही सेटिंग बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सेटिंग आती है मिली सेकंड की, ठीक है, ये देखो मैंने जो 10 कर रहा है उसको आपको 10 कर देना, क्योंकि जितना कम रहेगा उतनी ही फास्ट आपका इमोट होगा। तो मैंने 10 मिली सेकंड कर दिया, वहाँ पे 100 मिली सेकंड था। और यहाँ पर आपको माउस बटन पूछेगा लेफ्ट राइट या कुछ भी, तो आपको राइट रखना है, क्योंकि राइट माउस बटन से हम नॉर्मल टैप करते हैं सब जगह पर, जहाँ पर टैप करते हैं हम राइट पर करते हैं, नहीं सॉरी राइट में नहीं लेफ्ट पर करते हैं, तो आपको लेफ्ट बटन यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है, लेफ्ट बटन से हम टैप करते हैं। अब यहाँ पर रिपीट लिखा है तो वैसे तो इस चीज़ का कुछ काम नहीं है हमें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ क्योंकि हमने नीचे वाली चीज़ को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद जो आपको क्लिक टाइप दिखने को उसको सिंगल ही रखना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है हमारी पीक लोकेशन वाली, ठीक है, तो पीक लोकेशन पे आपको क्लिक कर देना। आप देखो यहाँ पे करंट लोकेशन है और पीक लोकेशन है, अभी हमारे टिक करंट लोकेशन पे, ठीक है, तो आपको पीक लोकेशन वाले के सामने टिक कर देना है और पीक लोकेशन पे क्लिक करना है। और आपको जहाँ पर भी आपका इमोट वाला आइकॉन रहे, यानी देखो हमने यहाँ पर सेट कराया था मैंने आपको कि यहाँ पर आपको सेट करना है, तो यहाँ पर जाकर एक बार आपको इस पर राइट लेफ्ट क्लिक कर देना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो आपकी लोकेशन आएगी ना वो ऐसी कैसी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप आपके डिस्प्ले का रिसोल्यूशन छोटा मोटा करते हो, आप अगर आपके गूगल प्ले का जो साइज है इसको छोटा मोटा करते हो, आपकी डिस्प्ले को फुल स्क्रीन पर शिफ्ट करते हो, तो ये लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। इसलिए फिर अगर आप फुल स्क्रीन पर खेलो तो आपको वो जो नई वाली प्लेस आएगी उस पर कर लेना है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको F6 को दबाना पड़ेगा जिससे आपका ऑन ऑफ होगा मैक्रो। लेकिन याद रखना जो आपकी पीक लोकेशन वाला है इसके आगे आपको टिक कर देना है, ऐसा जो टिक रहेगा ये मेरा करंट लोकेशन पर टिक था तो मैंने इसको अनटिक करके मैंने यहाँ पर किया है पीक लोकेशन वाले पर, तो आपको पीक लोकेशन पर इसको क्लिक करके आपको इस जो हमने मैक्रो था इसको मिनिमाइज कर देना। अब आपको प्रॉपर वे में इमोट कैसे दिखाना है, तो सबसे पहले आपको एनिमी को मारना, अगर आप एनिमी को मार के दिखाना चाहते हो तो एनिमी को मारना है। फिर उसके बाद आपको आपका माउस को अनलॉक करना है, ठीक है, जो हमने जो F1 से अनलॉक होता है बहुत केस में या फिर जिस भी बटन से अनलॉक होता है, तो आपको माउस को अनलॉक करना है और फिर उसके बाद F6 प्रेस करना है, तो उससे आपका इमोट फास्ट दिखेगा। अगर आप माउस को अनलॉक नहीं करोगे तो आपका रिपीटेड जल्दी जल्दी फायर होता जाएगा, इसलिए आपको सबसे पहले बंदे को मारना है, फिर उसके बाद आपको आपका माउस अनलॉक करना है, फिर उसके बाद आपको F6 प्रेस करना है, तो उससे आपका माउस की लोकेशन डायरेक्ट इस जगह पर चली जाएगी और आप फटाफट फास्ट इमोट दिखाने लग जाओगे। और ये F6 से ही आपका काम करेगा, आपको F6 बार बार प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन का भी मैटर बता देता हूँ, तो अब देखो मैं यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन पर कर लेता हूँ, तो अब जो मेरी लोकेशन है ना ये चेंज हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर मैक्रो दिखाने की कोशिश करूँगा F6 प्रेस करके तो मेरी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो आपको ये याद रख लेना है कि जो आपकी फास्ट इमोट वाली लोकेशन है, आप ये याद रखो कि हमारा इमोट का आइकॉन कुछ इस प्रकार से इस जगह पर आ रहा है फुल स्क्रीन करने पर, तो आपको इस लोकेशन पर थोड़ा सा उंगली रख के रख लेना है, फिर आपको थोड़ा सा ब्रेन लगा के याद रख लेना कि इस जगह पर हमारा ये आ रहा था। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो मिनिमाइज है मतलब मैं इसको वापस से छोटी डिस्प्ले कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने याद रखा था कि मैंने कहाँ पर मतलब मेरा आइकॉन आ रहा था जब मैं फुल स्क्रीन पे था, तो मेरा आइकॉन कुछ इस प्रकार से इस जगह पर आ रहा था, तो मैंने इस जगह पर एक बार राइट क्लिक कर दिया तो अब हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब भी हम इसको फुल स्क्रीन पर करेंगे तो हमारा इमोट आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि अब हमारी लोकेशन सेट हो चुकी है वहाँ की। अब मैं देखो यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन कर लिया, अब मैं यहाँ पर जैसे ही F6 को प्रेस करूँगा तो मेरा जो माउस का कर्सर है ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाएगा और हमारे फास्ट इमोट दिखाने लग जाएगा। पहले वो दूसरी जगह पर जाता था क्योंकि
हमने दूसरी जगह की लोकेशन को सेट कर रखा था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको मिक्रो कैसे करना है, थोड़ा बहुत आपका भी कॉमन सेंस लगा लेना। और ज्यादातर हम इमोट हमारी लॉबी में दिखाते हैं, हमारे दोस्तों के सामने दिखाना रहता है। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मिक्रो वर्क कर रहा है हमारा। यहाँ पे चेस्ट से कितनी जल्दी इमोट दिखा रहा है। मैंने जो आपको मिली सेकंड बताया था ना, वहाँ पे पिछली बार 10 मिली सेकंड या 20 मिली सेकंड, आप उसको और भी अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हो। जितने आपके FPS आते हैं उसके हिसाब से आपको उसको कम या ज्यादा रख लेना है। अगर आपके FPS बहुत ही कम आते और आप इन मिली सेकंड को भी बहुत कम रख लेते हो तो आपका इमोट अटक अटक के चलेगा। इसलिए आपके FPS के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इस सेटिंग को रखना है। अभी हमारी अपकमिंग वीडियोस में भी बहुत कुछ आने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। चाहे आप गूगल प्ले बीटा में खेलते हो या ब्लू स्टेक्स में खेलते हो या फिर किसी और भी इमुलेटर में खेलते हो, आपको अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे यहाँ पर भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड पर भी पूछ सकते हो। इन सभी की लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। और चैनल हैक होने के बाद से हमारा चैनल बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए प्लीज बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और मजेदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।